हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का बोर्ड द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर। बोर्ड परीक्षा 2023 का सैंपल पेपर बोर्ड ने जारी कर दिया है, तो इसका सैंपल पेपर आज हम हल करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 21 मार्च से, डेट शीट भी आ चुकी है आपकी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज से बोर्ड का सैंपल पेपर। तो पार्ट वन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसमें हमें करना है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर वन है, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें हमें ए एन द में से कुछ भरना है और डी ऑप्शन है नन। तो इसको किस तरह से हल करना है, पहले आप क्वेश्चन को आराम से इसको पढ़ें समझें, उसके बाद ही हल करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए, विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस, तो ए आएगा यहाँ पर, एन आएगा या द, तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। इस रिक्त स्थान के बिल्कुल बाद वाला जो वर्ड है उसे अंडरलाइन कर लें। उसका जो पहला अक्षर देखिए क्या है, पी। पिक्चर में प आ रहा है पहले। हम अगर हिंदी में भी लिखें पिक्चर तो साउंड प की आ रही है, पी की आ रही है। और पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, और जब व्यंजन है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, व्यंजन के आगे हमेशा हम ए लगाते हैं। और अगर वोवल साउंड होती तो वोवल साउंड कौन सी होती है, ए ई आई ओ और यू होती है। अगर इनमें से कोई साउंड पहले अक्षर में होती तो हम ये एन लगाते, तो क्या लगाते हम, एन लगाते। पर यहाँ पर पिक्चर में पी की साउंड आ रही है, पी हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ए फिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आने वाला है। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी डैश लैंड। तो देखिए ये तुलना वाला क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला है। अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, एंड इट हैज़ मोर सी एरिया, और यहाँ पर जो समुद्री एरिया है ज़्यादा है किससे, धरती से, लैंड से। तो जब तुलना वाला प्रश्न आता है ना, ऐसा एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो तुलना वाले प्रश्न में हम हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, टी एच ए एन देन। आप कभी अगर आपके ऑप्शन में दो तरह के देन भी आ सकते हैं, टी एच ए एन भी हो सकता है और टी एच ई एन भी आ सकता है। तो जो तुलना के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड वो होता है टी एच ए एन देन। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया देन लैंड, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, टी एच ए एन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, यानी कि जो ट्रेन है आगे आने वाले आधे घंटे में जाने वाली है। आई डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जो स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, आधा घंटा ट्रेन में है और मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन है, इसमें हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी विल, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है माउस, माउस कंप्यूटर में होता है। बी ऑप्शन है कीबोर्ड, कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर, मॉनिटर भी होता है, और डी ऑप्शन यहाँ पर है बैडमिंटन, बैडमिंटन जो है कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, बैडमिंटन एक गेम है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ अ डिफरेंट साउंड। तो ये डिफरेंट साउंड वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें आवाज़ जो अलग है ना वो पहचाननी है। तो ऑप्शन हमारे पास चार हैं, ए ऑप्शन है पी यू टी पुट, सी यू टी कट, बी यू टी बट, एस एच यू टी शट। तो देखिए कट बट शट ये तीनों एक जैसी साउंड दे रहे हैं, और पी यू टी पुट जो है अलग साउंड दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज, यहाँ पर आपको प्रेजेंट का मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट, तो ऑप्शन जो बी है हमारा सही होगा, प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, आई रिमूव द रोल टॉप डैश एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने रोल टॉप डेस्क को अच्छी तरह से बाहर निकाला। तो इसका हिंदी अर्थ भी करके देख लीजिए तो आपको आंसर निकालना जो है आसान हो जाता है। आई रिमूव द रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप कम्प्लीटली, कम्प्लीटेड, कम्प्लीट, कम्प्लीटिंग या कम्प्लीटली, तो ऑप्शन जो डी है वो इसमें आएगा, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली। अब शुरू करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में हमें करना है कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये चार वर्ड दिए गए हैं, पहला है प्लेटफॉर्म, नॉइज,
हैंड और जर्नी। तो शुरू करते हैं। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी। यहाँ पर क्या आएगा आठवें में? जर्नी। ये मीना की पहली ट्रेन यात्रा थी। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। कहाँ पर उसने ट्रेन देखी? प्लेटफॉर्म में। द ट्रेन मेड ए लोट ऑफ। ट्रेन क्या मचा रही थी? बहुत ज़्यादा शोर करती है ना, तो नॉइज आ जाएगा जैसे में। द ट्रेन मेड ए लोट ऑफ नॉइज एज इट केम टू स्टॉप एट द स्टेशन। मीना हेल्ड हर फादर्स हैंड। यहाँ पर आ जाएगा ग्यारहवें में हैंड। मीना ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। मीना हेल्ड हर फादर्स हैंड। दे वॉक्ड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर। तो ये भी हल हो गया हमारा क्वेश्चन 8 से लेकर 11 नंबर तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें क्या हल करना है? प्लूरल, बहुवचन बनाने हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पर नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या होता है? जब भी देखिए लास्ट में एफ ई आए ना, तो एफ ई को हम हटाकर क्या लगाएंगे? वी ई एस। तो यहाँ पर के एन आई आप सेम लिख दीजिए और एफ ई को हटाकर हम लगा देंगे वी ई एस। तो ये बन गया नाइफ। ये हो गया प्लूरल हमारा। तो इस चीज़ का आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी प्लूरल बनाते समय अगर लास्ट में स्पेलिंग के लास्ट में एफ ई है तो एफ ई को हटाकर हमें किससे रिप्लेस करना है? वी ई एस से। नाइफ का प्लूरल होता है नाइव। अब हम बी नंबर देखते हैं, सी एच आई एल डी चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल होता है चाइल्ड को ऐसे कैसे लिख दें सेम स्पेलिंग और लास्ट में ऐड कर देंगे आर ई एन, चिल्ड्रन। क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन। नाइफ का प्लूरल नाइव और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, आर ई एन। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें मिसिंग लेटर्स करने हैं। तो ये जो ए ऑप्शन में स्पेलिंग है ये माउंटेन की है। माउंटेन का मतलब क्या होता है बच्चों? पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आएगा एम ओ यू एन टी ए आई एन, माउंटेन। और ये स्पेलिंग है आफ्टरनून की, ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन, आफ्टरनून, माउंटेन। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ माउंटेन की स्पेलिंग लिखकर, माउंटेन एम ओ यू एन टी ए आई एन, और आफ्टरनून की क्या होती है? ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन, आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। डोंट यूज मोबाइल फोन डैश ड्राइविंग व्हीकल। ऑप्शन है वाइल या फिर सो दैट। तो वाइल का मतलब होता है जब और सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो इसको आप ट्रांसलेट करके देख लीजिए, डोंट यूज मोबाइल फोन, हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब हम ड्राइविंग करते हैं। तो जब हम ड्राइविंग करते हैं तो जब के लिए कौन सा वर्ड मैंने आपको बताया था? वाइल। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे वाइल ड्राइविंग व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो ये जंबल वर्ड्स दे रखे हैं तो इसे मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना है। दे मास्क डेली वियर, तो इसका बनेगा दे वियर मास्क डेली। डेली जो है एडवर्ब है, ये लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। दे वियर मास्क डेली। बी है जम्प्ड द हिमांशु रिवर इनटू। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा हिमांशु जम्प्ड इनटू द रिवर। क्या बन जाएगा? इनटू द रिवर, फुल स्टॉप। हिमांशु जम्प्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देख सकते हैं चार वर्ड्स दिए गए हैं, ओपन वियर क्रॉस स्लो। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। ओपन का मतलब होता है खोलना, वियर मतलब पहनना, क्रॉस मतलब क्रॉस करना, रोड क्रॉस करते हैं ना, स्लो मतलब धीरे। तो ऑलवेज डैश अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो यानी कि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा हमें क्या बांधनी चाहिए? सीट बेल्ट, है ना। तो पहनने के लिए कौन सा वर्ड है? वियर। तो इसमें आ जाएगा डब्ल्यू ई ए आर वियर, ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। दूसरा है डू नॉट डैश द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। तो जब भीड़भाड़ के एरिया में हम ड्राइविंग करते हैं ना, तो हमें स्पीड की जो लिमिट होती है उसे पार नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रॉस, डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट। ओके, तो यहाँ पर पार्ट टू जो है हमारा फिनिश हो गया। पार्ट वन और पार्ट टू हमने कर लिया है।
पार्ट थर्ड शुरू करेंगे। पार्ट थर्ड में आपको पैसेज मिलेगा, सीन पैसेज है जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, ये उसी में से पैसेज है। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम पैसेज को ये रीड करेंगे और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। तो यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें से ये पैसेज आया है। तो इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। ये रोल टॉप डेस्क जो है उन्हें ब्रिडपोर्ट के एक जंक शॉप में मिला था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। और जहाँ से उसने लिया था, जिसकी शॉप थी वो जंक शॉप थी, कबाड़ की दुकान, उसने कहा था कि ये अर्ली 19th सेंचुरी का है और ये ओक की लकड़ी से बना है। इट है आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे तो चाहिए था ये, क्या चाहिए था, रोल टॉप डेस्क, बट देवर फार टू एक्सपेंसिव। ऑथर कह रहे कि उसे एक नया चाहिए था वैसे तो रोल टॉप डेस्क, पर वो सब बहुत महंगे थे, जो नए थे वो महंगे थे, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक जंक शॉप में जाकर एक पुराना रोल टॉप डेस्क खरीदेगा। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। अब जो उसने पसंद किया रोल टॉप डेस्क वो थोड़े बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, कई जगह से ये जो है टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्सिली मेंडेड, स्कोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और एक तरफ से तो उसकी टांग पूरी टूटी हुई थी और स्कोच मार्क्स भी थे। इट वॉज गोइंग फार वेरी लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। अब ये जो रोल टॉप डेस्क था ना पुराने वाला, ये इसे सस्ते में मिल रहा था, तो इसने सोचा कि वो इसे रिस्टोर कर लेगा, इसे ठीक कर लेगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये मुश्किल काम भी था और एक चैलेंज भी था, क्योंकि ये काफ़ी टूटा हुआ था और काफ़ी पुराना भी था। बट आई हैड टू हैव इट, पर उसे तो इसकी आवश्यकता थी, उसे लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। अब उसने उसके पैसे चुकाए वहाँ पर जंक शॉप पे और उसे अपने घर पर ले आया। और कहाँ पर रखा, अपने वर्क रूम में, जो कि उसके घर की बैक साइड के गैराज में था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और उसने ये काम कब करना शुरू किया, क्रिसमस ईव पे, यानी कि क्रिसमस के एक दिन पहले जो शाम होती है ना उसे बोला जाता है क्रिसमस ईव को उसने शुरू किया। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। रोल टॉप डेस्क जो था वो कितना पुराना था और ऑथर ने उसे कहाँ से ढूंढा था। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन में आया था ना, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, और उसे कहाँ से मिला था, ये एक जंक शॉप थी ब्रिडपोर्ट में, उसे वहाँ से ये मिला था। तो इसका आंसर देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, मैं आपको पीछे बैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका आंसर यहाँ से शुरू, एक मिनट, इसका शुरू होगा आंसर, I spotted it in a junk shop in Bridpool, a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. तो ये इसका आंसर है कि जो डेस्कटॉप था अर्ली 19th सेंचुरी का था और उसे कहाँ से मिला था, जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट से ये उसे मिला था। तो ये लाइन आप जो है वहाँ पर लिख सकते हो आंसर में, It was of early 19th century. The author found it in a junk shop. The author found it in a junk shop. In a junk shop. In Bridport. In Bridport. तो इसका आंसर होगा हाउ ओल्ड, क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। इट वॉज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, द ऑथर फाउंड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द डेस्क। ये दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लैक क्लम्सिली मेंडेड, स्कोच मार्क्स ऑल डाउन साइड। यहाँ तक जो है इसका आंसर आएगा, इट वॉज इन अ बैड कंडीशन, इट वॉज इन अ बैड कंडीशन। कैसा था वो, बैड कंडीशन में था। इट्स वन लैग वॉज क्लम्सिली मेंडेड, एक टांग उसकी लगभग टूटी हुई सी थी, एंड इट हैड स्कोच मार्क्स,
ओन वन साइड, ओन वन साइड. तो ये हो गया इसका आंसर. इट वॉज इन अ बैड कंडीशन, इट्स वन लेग वॉज क्लम्सिली मेंडेड एंड इट हैड स्कोच मार्क्स ऑन वन साइड. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप. ऑथर को वो जंक शॉप कहाँ पर मिली थी? जंक शॉप जो उसे मिली थी वो ब्रिटपोर्ट पर मिली थी, है ना? तो हम लिख देंगे आंसर द ऑथर फाउंड. यहाँ से आंसर आप शुरू कर दीजिए. द ऑथर फाउंड इट इन द जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट. इन ब्रिटपोर्ट, तो ब्रिटपोर्ट में एक जंक शॉप में ऑथर को वो रोल टॉप डेस्क मिला था. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप? द ऑथर फाउंड द जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग. परचेजिंग मतलब खरीदने. आफ्टर परचेजिंग, खरीदने के बाद ऑथर लेखक जो था वो रोल टॉप डेस्क को कहाँ पर लेकर गया था? कहाँ पर लेकर गया था? अपने घर के वर्क रूम में लेकर गया था, जो कि बैक साइड में गैराज में था. तो ये देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको शो करती हूँ, दिखाती हूँ. ये देखिए इसका आंसर है I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है, द ऑथर से शुरुआत करनी है. द ऑथर ब्रोट इट बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. ये इसका आंसर हो जाएगा. आपको अभी लिख के बताती हूँ आपको किस तरह से इसका आंसर जो है हमें लिखना है. द ऑथर ब्रोट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म आएगी जब भी क्वेश्चन का. जब हम आंसर लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म की जगह हम सेकेंड को यूज करते हैं. द ऑथर ब्रोट इट बैक टू हिज वर्क रूम, टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. एट द बैक ऑफ द गैराज, इसका आंसर हो गया. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, खरीदने के बाद रोल टॉप डेस्क को ऑथर कहां पर लेकर गया था? द ऑथर ब्रोट इट बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ही जो सेकेंड पार्ट है. व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क. ऑथर ने इस पर काम करना कब शुरू किया था? तो ये पैसेज के लास्ट में आपको मैं दिखाती हूँ. ही आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस की ईव पर उसने शुरू किया था. तो यहाँ पर आई की जगह आप लिख देंगे द ऑथर, बाकी पूरी लाइन जो है सेम आ जाएगी. द ऑथर बिकेम, द ऑथर बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. सेम ये लाइन जो है आपको इसके आंसर में लिख देनी है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस. एक बार रिपीट करते हैं. व्हेन डिड द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क? द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. यानी कि हमें अपोजिट विलोम शब्द लिखने हैं. नियर का होता है फार और लेट का होता है अर्ली. इसके जो पैसेज के बिगनिंग में हमने देखा था इट वॉज ऑफ अर्ली 19th century लाइन आई थी ना, उसी में से है. तो लेट का अपोजिट है अर्ली और नियर का अपोजिट है फार. तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पैसेज. तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 3 पैसेज आएंगे. 3 में से 2 पैसेज जो हैं तो आपकी बुक में से आएंगे, एनसीईआरटी की बुक में से, और एक पैसेज जो है अनसीन पैसेज का आएगा. ठीक है, तो एक पैसेज हमने सॉल्व कर लिया. अब हम सेकेंड पैसेज सॉल्व करेंगे. द ग्रेट स्टोन फेस. देखिए यहाँ से ही हमें पता लग गया है कि जो लास्ट चैप्टर है ना 9 और 10 आपके बुक के, ग्रेट स्टोन फेस 1 और ग्रेट स्टोन फेस 2, उसमें से ये पैसेज आया है. तो इसको पहले हम समझते हैं. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर. जो ग्रेट स्टोन फेस था, बड़ी पहाड़ी थी जिसके ऊपर वो चेहरा दिखाई देता था ना, वो एक प्रकृति की कृति थी. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन. और ये किसके ऊपर बना हुआ था?
एक माउंटेन के ऊपर खड़ा था ये ग्रेट स्टोन फेस बाय सम इमेंस रॉक्स, और उसे घेर रखा था छोटी छोटी बहुत घनी घनी चट्टानों से वो भरा हुआ था, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल द फीचर ऑफ ए ह्यूमन फेस। तो छोटी बड़ी कई सारी पहाड़ियाँ थी जो इकट्ठी मिलकर एक बहुत बड़ी चट्टान बना रही थी, और उन पहाड़ियों से मिलकर ना वहाँ पर एक चेहरा सा नज़र आता था उस पहाड़ी के ऊपर से, और जो चेहरा था ना वो इंसानी चेहरा दिखाई देता था, ह्यूमन फेस की तरह दिखाई देता था। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, अगर कोई देखने वाला उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता था ना, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ जिगेंटिक रॉक्स। अब अगर कोई उसे देख रहा है, कोई दर्शक आता है उस पहाड़ी को देखता है और उसके पास में पहुंच जाता है ना, तो उसे पहाड़ियाँ और चट्टानें ही नजर आती हैं, वो चेहरा नजर आना बंद हो जाता था। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, ऐसे लगता था एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान खड़ी है, और वो जो ग्रेट स्टोन फेस था ना वो सिर्फ दूर से ही दिखाई देता था वो चेहरा उस पहाड़ी के ऊपर। बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस, जब दूरी से उसे पहाड़ी को देखा जाता था ना बच्चों, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, ऐसे लगता था जो बादल हैं उसके आस पास घिर चुके हैं। द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और ऐसे लगता था ग्रेट स्टोन फेस जीवित हो गया है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टेलिटी टू द benign face that was continually beaming over it। तो लोग जो थे ना वहाँ के, उस वैली के जो लोग थे, उनका ये मानना था इस गांव की जो खुशहाली है ना वो फर्टिलिटी सिर्फ ग्रेट स्टोन फेस की वजह से है। ग्रेट स्टोन फेस जो है ना पहाड़ी के ऊपर चेहरा जो दिखाई देता था वो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था, और गांव वालों को लगता था कि उस मुस्कुराहट की वजह से, उस ग्रेट स्टोन की वजह से ही जो ये वैली है वो फर्टाइल है, वो मतलब बहुत ज़्यादा खुशहाल है। तो ये पैसेज हमने समझ लिया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट वाज़ द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस क्या था। ठीक है, तो देखिए ग्रेट स्टोन फेस क्या था, हमने यहाँ पर पढ़ा है द ग्रेट स्टोन फेस वाज़ अ वर्क ऑफ नेचर, एक प्रकृति की कृति थी, उसे किसी ने बनाया नहीं था, वो अपने आप प्रकृति ने उसे रूप दिया था उस पहाड़ी को ग्रेट स्टोन फेस का। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना, हम लिखेंगे द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड बाय सम इमेंस रॉक्स। तो शुरू करते हैं, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर, यहीं से हमें सेम उतार लेना है, वॉज ए वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड बाय सम इमेंस रॉक्स, यहाँ पर लिखा है ना फॉर्म्ड बाय सम इमेंस रॉक्स, ये देखिए फॉर्म्ड बाय सम इमेंस रॉक्स, ये लाइन हमें यहाँ पर लिख देनी है, फॉर्म्ड बाय सम इमेंस रॉक्स। तो ये इसका आंसर हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड बाय सम इमेंस रॉक्स। ओके, अब हम देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, बी क्वेश्चन है, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर, ग्रेट स्टोन फेस कैसे दिखाई देता था इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट, देखने वाला कोई दर्शक उसके बिल्कुल क्लोज पास में चला जाता था ना, तब वो कैसे दिखाई देता था। तो देखिए इसमें इसका आंसर हम ढूंढेंगे, इफ द स्पेक्टेटर, यहाँ से इसका आंसर है, इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर He lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another। यहाँ तक इसका आंसर आप सेम यहाँ पर लिख देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो शुरू करते हैं इसका आंसर लिखना, If spectator gets, देखियो सेम है, देखिए बच्चों सेम ये लाइन आप यहाँ से उतार देंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, इफ द स्पेक्टेटर गेट्स, इसका आंसर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट, सेम लाइन यहाँ पर आप लिख दीजिए, इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट, आगे देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, ही लॉस्ट द outline of the enormous face he can see
ओनली ए हीप ऑफ जिगेंटिक रॉक्स, ए हीप ऑफ जिगेंटिक रॉक्स, उसे सिर्फ चट्टाने दिखाई देती थी, पाइल्ड वन अपॉन अनदर, पाइल्ड वन अपॉन अनदर, एक दूसरे के ऊपर खड़ी हुई सिर्फ जो चट्टाने हैं वही दिखाई देती थी। एक बार इसका आंसर जो हम रिपीट कर लेते हैं, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट, इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनोमस फेस, ही कैन सी ओनली ए हीप ऑफ जिगेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर। अब इसी का जो सी क्वेश्चन है हम करेंगे, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वन वर्ड करना है। तो पहला ए इसमें है, ए वेरी हाई हिल, बहुत बड़ी पहाड़ी। तो पहाड़ी के लिए लेसन में जो इस पैसेज में आया है वर्ड है वो है माउंटेन, एम से शुरू हो रहा है, पहाड़ी को हम सब जानते हैं माउंटेन कहते हैं। तो माउंटेन हम यहाँ पर लिख देंगे, एम लिखा हुआ है, एम ओ यू एन टी ए आई एन माउंटेन। बी है ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, कोई घटना या कोई कार्यक्रम जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए भी वर्ड आया है स्पेक्टेटर, इसमें सेकंड क्वेश्चन के आंसर में भी हमने लिखा था, तो वही आपको यहाँ पर लिख देना है, ऐसा हमारे पास है, तो स्पेक्टेटर की स्पेलिंग यहाँ पर हमें लिख देनी है। तो अ वेरी हाई हिल के लिए वर्ड आएगा माउंटेन, और ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट इसके लिए हम लिखेंगे स्पेक्टेटर। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे अब हम, 20 का जो ए है, व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव, ग्रेट स्टोन फेस जो है जीवित सा कब दिखाई देता था, जब इसे हम दूर से देखते थे, है ना, पास से देखते थे तो सिर्फ पहाड़ियां नजर आती थी, और जब दूर से देखते थे तो ऐसे लगता था एक जीता जागता सा चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आंसर में हम लिख देंगे बच्चों, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर्स टू बी अलाइव, आधा आंसर तो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है, तो यहाँ से हम शुरू कर लेंगे, द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर्स टू बी अलाइव, अपीयर्स टू बी अलाइव व्हेन इट इज सीन, व्हेन इट इज सीन फ्रॉम डिस्टेंस, फ्रॉम डिस्टेंस विद द क्लाउड्स, with the clouds clustering about it, about it। तो ये हो गया complete इसका answer, second का, 20 का जो है, फिर से हम repeat कर लेते हैं, when does great stone face appear to be alive, the great stone face appears to be alive when it is seen from distance with the clouds clustering about it। अब इसी का हम करते हैं सेक्शन बी, व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल, स्टोन फेस के बारे में लोगों के बीच में क्या बात प्रचलित थी, है ना, क्या विश्वास था लोगों का। तो ये लास्ट लाइन में हमने देखा था, आपको फिर से दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है पैसेज में, देखिए, इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टेलिटी टू द बिनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर जानने की ट्रिक देखिए, मैं आपको एक बता देती हूँ, अगर कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते इंग्लिश अच्छे से, फिर भी उन्हें बोर्ड एग्जाम में बैठना पड़ता है, और क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए स्पेलिंग देखिए, बिलीफ, पॉपुलर बिलीफ, ये स्पेलिंग आप ढूंढ लीजिए जिस लाइन में आई है ना, यहाँ पर देखिए ये बिलीफ वाली लाइन यहाँ पर आई है ना, बिलीफ का वर्ड, तो यहाँ जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ तक इसका आंसर है। तो सेम ये जो लाइन है हम इसके अंदर लिखने वाले हैं, व्हाट वॉज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल, इट वॉज द बिलीफ, इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड much of its fertility to the benign
बिनाइन होता है दयालु, बेनाइन फेस दैट वॉज बीमिंग ओवर, कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट. बीमिंग ओवर इट. तो देखिए सेम लाइन पैसेज की जो दो लाइन्स थी मैंने यहाँ पर उतार दिए हैं, एक बार रिपीट करते हैं. व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल? इट वाज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टेलिटी टू द बिनाइन फेस दैट वाज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट. ओके, अब इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो हम करेंगे, सी वाला. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग. गैदरिंग एकदम से इकट्ठे हो जाना, उसके लिए कौन सा शब्द आया है? द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट. क्लस्टरिंग भी होता है एकदम से इकट्ठे हो जाना, बहुत सारे बादल उसके आसपास जब इकट्ठे हो जाते थे ना उसके लिए आया है, इकट्ठे होने के लिए. तो यहाँ पर जो वर्ड है गैदरिंग उसके लिए हम दूसरा वर्ड जो यूज़ करेंगे वो है क्लस्टरिंग. तो सेम ये वर्ड जो है हमें नीचे लिख देना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लस्टरिंग. गैदरिंग का मतलब क्या होता है? क्लस्टरिंग. तो यहाँ पर ये जो सेकंड पैसेज है ना हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है, दो पैसेज हमने कर लिए हैं. अब जो अनसिन पैसेज है ना थर्ड वाला वो हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर देखिए थर्ड पैसेज है हमारा ये वाला, कल्पना चावला वाले चैप्टर में से, क्लास सिक्स का चैप्टर है. और यहाँ पर हमारे बोर्ड एग्जाम में इन्होंने अनसिन पैसेज दिया. अनसिन पैसेज को भी आपको बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम बहुत होता है एग्ज़ाम में. आप अच्छे से पैसेज को रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सही आंसर ढूंढकर उसमें से लिखना है. अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू? कल्पना चावला कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी? तो इसका आंसर देखिए पहली लाइन में ही है, कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट. तो यहाँ से लेकर जो पैसेज है आपका पैसेज में ये एक लाइन इसका आंसर हो जाएगा. सेम इस लाइन को आप यहाँ पर लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं, कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट हु belonged to the Karnal district of Haryana state, of Haryana state. तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया हमारा और आपके जो दो नंबर है वो भी पक्के हो गए, ठीक है ना. अब बी क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन? पहला उसका जो स्पेस मिशन था कल्पना चावला का, उसकी ड्यूरेशन क्या थी? ड्यूरेशन मतलब उसकी अवधि क्या थी? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन. अब ऐसे बच्चे भी हैं जो पैसेज को समझ नहीं पाते कई बार ही, तो आप देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट स्पेस मिशन, ये स्पेलिंग पढ़ लीजिए कहाँ पर आई है, इस लाइन में आई है फर्स्ट स्पेस मिशन. तो ये लाइन जहाँ से शुरू हो रही है ना यहाँ से, और ख़त्म कहाँ पर हो रही है? यहाँ तक, है ना. तो हमने को ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि उसने 252 चक्कर काटे थे, यहाँ पर हमें सिर्फ ये लिखना है फर्स्ट स्पेस मिशन का जो टाइम था वो पीरियड क्या था. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज, कितना था वो? 15 दिन, वॉज 15 डेज 16 आर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग. बस यहाँ तक हमारा जो आंसर है ये फिनिश हो गया है. एक बार रिपीट कर देते हैं, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन? कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग. फॉर व्हाट कल्पना चावला वॉज लाइसेंस्ड? कल्पना चावला को किस चीज़ का लाइसेंस मिला था? लाइसेंस वाली लाइन आप पैसेज में ढूंढ के इसका आंसर लिख देंगे.
She was licensed. She was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes. Airplanes, single engine seaplanes and gliders. एक बार रिपीट कर लेते हैं. फॉरवर्ड, कल्पना चावला वॉज लाइसेंस, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स. आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वन वर्ड देखना है. ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. तो पैसेज के अंदर पहली लाइन में ये वर्ड आपको मिल जाएगा, एस्ट्रो नोट. स्पेलिंग आप याद कर लेना, ASTRONAUT. ये मिसिंग लेटर में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट. सी है इसमें, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ओल्डेस्ट. तो यहाँ पर ओल्डेस्ट का अपोजिट जो पैसेज में आया वो हमें बताना है. पैसेज में इसके लिए यंगेस्ट आया है. कल्पना चावला जो है यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट थी, तो यहां पर ओल्डेस्ट का अपोजिट हम लिखेंगे यंगेस्ट. एक मिनट, स्पेलिंग में यंगेस्ट, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं हम. यंगेस्ट अपोजिट हो जाएगा जो है. हम देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस. तो यहाँ पर आपको पांच सेंटेंसेस दिए जाएंगे, किसी स्टोरी के होंगे और उसे सही आपको सीक्वेंस में लगाकर लिखने होंगे. होगी यहाँ पर मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ. पहला जो वाक्य होगा वो होगा, वंस ए वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर. सेकेंड होगा, हिज एक्स फेल इन टू द रिवर. थर्ड, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प. फोर्थ, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड. और फिफ्थ होगा, ही ब्रोट ए गोल्डन एक्स. तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा. इसको आप ध्यान से स्टोरी को समझ के उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ. पार्ट फोर्थ में यहाँ पर हमारे पास है एक लेटर और एप्लीकेशन, दोनों में आपको ऑप्शन मिलने वाला है. चाहे तो आप लेटर कर सकते हो और चाहे आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो. आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, या तो लेटर या फिर एप्लीकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर लेटर और एप्लीकेशन दोनों ही मैं आपको सॉल्व करना बता देती हूँ. इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन. आपका नाम लक्ष्य राज है, तो लक्ष्य राज का नाम जो है लेटर के बिल्कुल एंड में आएगा. आप जयपुर के निवासी हो और आपको लेटर अपने फ्रेंड हार्दिक को लिखना है. किसको लिखना है? हार्दिक को लिखना है और उसे कंग्रेचुलेट करना है, उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं उसके लिए. तो अपने शुरू करते हैं. आप इसको लिखते समय इसका यूज़ भी कर सकते हो पॉइंट्स का, जैसे कि आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्ज़ाम प्रिपरेशन, कंग्रेचुलेट ऑन हिज सक्सेस. ठीक है, तो जब भी आप लेटर की शुरुआत करें ना बच्चों, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा यहाँ पर एड्रेस. एड्रेस लिखेंगे उसी से लेटर की शुरुआत होगी. तीन लाइंस में आप एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे 25 नेहरू नगर जयपुर. एड्रेस जो है, आप जयपुर में रहते हो ना, तो आपको जयपुर का ही एड्रेस यहाँ पर देना है, 25 नेहरू नगर जयपुर. उसके बाद दिनांक लिख देनी है. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे माई डियर हार्दिक, जिसे हमें लेटर लिखना है ना, हार्दिक को लिखना है, तो उसी का नाम यहाँ पर आएगा. माई डियर हार्दिक, I am glad to know that you have stood first in your class in the annual examination. Annual exam में तुम्हारा जो है first rank आया, अच्छे marks आए. I congratulate you on your excellent success. With best regards to your parents, yours sincerely, लक्ष्य राज. लक्ष्य राज जो नाम यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये आप लास्ट में एंड में लिखेंगे और ये हमारा लेटर हो गया. इतने में आपको मार्क्स मिल जाएंगे. आप इसको चाहे थोड़ा बड़ा करके एनलार्ज करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ ये इतनी सी चार लाइनें लिख कर भी इसे कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, इसमें सारे जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे आ चुके हैं. तो इस तरह से ये लेटर का फॉर्मेट रहेगा, आपको लेटर अटेम्प्ट करना है. अब हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन में एप्लीकेशन आई है उसको. यू आर गायत्री और मोहन. देखिए ये जो गायत्री और मोहन है, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, दोनों ही नाम एंड में लिख देते हैं. आपको इन दोनों में से एक ही नाम लास्ट में लिखना है. स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा.
योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर. राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट. ठीक है, तो ये टीसी की एप्लीकेशन है. फॉर्मेट क्या रहने वाला है, देखिए सबसे पहले तो हमें एड्रेस और डेट लिखनी है. ठीक है, एड्रेस लिख दिया 23 केशवपुरा कोटा, क्योंकि यहाँ कोटा का ही है नाम, कोटा March 15, 2023. उसके बाद हमें लिखना है द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा. जिस स्कूल का नाम यहाँ पर दे रखा है ना, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, सेम यही नाम हमें यहाँ पर लिखना है. और जो सीक्वेंस है ना, बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, एक ही लाइन में लिखने हैं. ऐसे नहीं एड्रेस यहाँ लिख रहे हो, हेडमास्टर यहाँ लिख रहे हो, सर इधर लिख रहे हो, सब्जेक्ट उधर लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक ही सीक्वेंस में एप्लीकेशन चलनी चाहिए. ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट लिखना है फॉर इशूइंग टीसी. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई रीड इन क्लास 8 ऑफ योर स्कूल. माई फादर वर्क्स इन ए बैंक. He has been transferred to Ajmer. My whole family is going there, so it is not possible for me to continue my study here. Kindly issue me my transfer certificate and oblige. Thanking you, yours obediently, Gayatri, class 8. तो ये हमारी टीसी की एप्लीकेशन का फॉर्मेट है. इस तरह से आपको टीसी की एप्लीकेशन अटेम्प्ट करनी है. थैंकिंग यू की, ओबीडियंटली की, ये जो स्पेलिंग्स है इन्हें अच्छे से आप याद करके अपने माइंड में सेट कर लीजिए. ओबीडियंटली की स्पेलिंग भी अक्सर बच्चे जो हैं गलत कर देते हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई ओबीडियंटली. तो ये फॉर्मेट है, एड्रेस, उसके बाद स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, और लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, गायत्री, क्लास 8. अब लास्ट में जो क्वेश्चन है 25 नंबर, वो है शॉर्ट पैराग्राफ और स्टोरी. ये दोनों आएंगे एग्जाम में, इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा. तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ और स्टोरी दोनों ऑप्शन मिलेंगे. चाहे तो आप पैराग्राफ करिए और चाहे आप स्टोरी करिए, इन दोनों में से आपको एक ही करना है. तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है इंडिपेंडेंस डे का आया हुआ है, चाहे तो आप ये अटेम्प्ट करिए, और या फिर नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर स्टोरी मिलेगी हेयर एंड टॉर्टोइज की, वो करनी है. ठीक है, स्टोरी आपने याद कर रखी होगी, आप अटेम्प्ट कर लेना जो भी आपके एग्ज़ाम में आए. बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जितनी भी स्टोरीज आपने याद कर रखी है ना, उनका मोरल अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि मोरल के जो है ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. स्टोरी का नेम और मोरल आप उसमें ज़रूर ऐड करें. तो बच्चों यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर आज का हमने कंप्लीट कर लिया है. इसमें कुल 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं. तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अंजू इंग्लिश अकेडमी.